चकोरा पुलवामा में किसानों के जरिए तैयार की जाने वाली सब्जियों की पनीरी को फरोख्त करने का इफ्तिताह चीफ एग्रीकल्चर अफसर मोहतरम मोहम्मद इकबाल ने किया। इलाके में सब्जी यूनिट्स के दौरे के दौरान महकमे के माहिरीन ने सब्जियों की जांच और किसानों को मुफीद मशवरों से नवाजा। मुकामी किसानों ने महकमे ज़राअत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से किसानों को वक्तन फवक्तन रहनुमाई की जाती है, जिससे किसानों का काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। देखिए, ये सीज़न का आज हमने पहला जो ये सीडलिंग है, सीडलिंग हमने फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट की। ये गांव चकूरा है, यहाँ पे हमारे कुछ 16 जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं ये सीडलिंग जो उगाते हैं और सीडलिंग का काम करते हैं। ये किस्म का यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप बन गया है, इससे इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनकम होती है। इसमें हमें इस गाँव में हमने कोई 82 नंबर ऑफ जो हमारा ये प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन है, जिसमें हम हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस या ऑर्डनरी पॉलीग्रीन हाउस भी देते हैं इनको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, ये लगा के ये इस पर सीडलिंग्स जो उगाते हैं। तो ये मतलब हाईटेक पॉली हाउस में या पॉलीग्रीन हाउस में जो ये सीडलिंग उगाते हैं, इसमें हमारा जो ये सीज़न है ये एक महीना प्रीपोन हो गया है। जैसे नॉर्मल ये होता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का सीज़न यहाँ पे स्टार्ट होता है वो मार्च में होता है, एंडिंग मार्च लगभग स्टार्ट होता है, लेकिन जब से हमने ये प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन का ये स्टार्ट किया है तो ये हमारा फरवरी में ही हमारी सीडलिंग तैयार हो जाती हैं। तो ज़मींदार यहाँ से, हमारे किसान भाई यहाँ से ये सीडलिंग ले जाते हैं और एक महीना हमारा सीज़न आगे आ जाता है। तो इससे ये फ़ायदा भी हुआ है कि पूरे साल में हमारा एक क्रॉप ऐड हो जाता है। जैसे नॉर्मली हम साल में दो ही क्रॉप करते थे, अब हम जहाँ पे वेजिटेबल की कल्टिवेशन करते हैं तो ये 3 या 4 क्रॉप्स तक भी हम एक साल में करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही ये बोला कि इस गांव के कोई 16 ऐसे प्रोग्रेसिव ज़मींदार हैं जो इस शोबे में आए हैं, तो मेरे ख्याल से आप उनकी ज़बानी सुन लीजिएगा कि कितना फ़ायदा इनको हुआ है, और इनको जो देख के बाकी भी जो इस पे रागिब हो रहे हैं, बाकी जो आसपास के गांव हैं वो भी रागिब हो रहे हैं। और इसके बाद हम एक और गाँव में आज यही सीलिंग इसका जो इनाग्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़मींदार इसमें आगे आ रहे हैं और ये एक एंटरप्रेन्योरशिप बन गया है। और इसमें मेरा ये मैसेज है कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर वो भी इसमें आएंगे तो उनको ये बहुत अच्छा रोज़गार मिलने का जो ये चांस बनेगा।